यही वजह है कि शाह को पीएम मोदी का राइट हैंड कहा जाता है। देश के ज्यादातर राज्यों में अमित शाह कमल खिलाने में कामयाब रहे और अब उनकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, जिसके चलते अमित शाह बंगाल में अपनी रैलियां कर रहे हैं। हाल ही में कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने ममता पर खूब तीखे तीर छोड़े। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति से लेकर एनआरसी पर शाह ने ममता पर खूब हमला बोला, जिससे तिल मिलाए दीदी की पार्टी टीएमसी ने अमित शाह को अल्टीमेटम दे दिया है। पार्टी नेता डेरेक ब्राउन ने शाह को ममता बनर्जी से माफी मांगने के लिए मात्र 72 घंटों की मोहलत दी है। एक तरफ ममता बनर्जी ने मोदी हटाओ का अभियान छेड़ रखा है, तो वहीं मोदी सरकार बंगाल से ममता का शासन उखाड़ फेंक बीजेपी का सुशासन कायम करना चाहती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि बंगाल की जनता किसे अपना जनादेश देगी। लेकिन शाह ममता बनर्जी से क्या माफी मांगेंगे, और वो भी टीएमसी की तरफ से दी गई मोहलत में, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।